स्थान से SECL के 3 और शव को बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि 8 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद टीम को सफलता मिली है। खदान में फंसे 3 युवकों के शव निकाले गए हैं। बताया जा रहा है कि कल 4 शव निकाले गए थे और आज 3 और शव निकाले गए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में सभी शवों को बाहर निकाला गया। धनपुरी यूजी माइंस में जहरीली गैस की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हुई थी, जिसके चलते कल 4 लोगों के शव बाहर निकाले गए और आज 3 और शव बाहर निकाले गए। अब उन लोग बोलते मेरे को, तुम लोग यहीं खड़े रहना, हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो मैं खड़ा रहा मोबाइल लेकर, उन लोग अंदर गए रहे। 1-2 घंटा बीत गया रहा, उन लोग आए नहीं बाहर। फिर मैं अपना फोन लेके गया, अंदर लेके गया फोन, तो मैं भी बेहोश हो रहा था। तो 2 लड़के मेरे को खींचे छोड़े हैं और 2 लड़का फरार हो गया। मेरी नींद खुली 4 बजे, तो मैं आया हूँ घर, घबराया रहा, तो कोई को नहीं बताया ये सब बात। 3 टीमें और गई और उस RCC के स्टॉपिंग को चौड़ा किया गया। इसके पश्चात 3 टीमों के बाद फिर हमने एक टीम बनाई है और अंदर जाके स्टॉपिंग के अंदर ड्रिफ्ट में हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया। वहां जाने के बाद 3 हमें वहां पे व्यक्तियों, क्योंकि मृत पाए गए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बॉडी काफी खून बह रहा था, ग्रुप डिकम्पोज हो रही थी, तो उन लोगों को हमने पॉलिथीन उसमें लपेट करके बड़ी मशक्कत से धीरे धीरे ऊपर लाया है और अभी हमने जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को हमने उसे सुपुर्द कर दिया है। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ये बात प्रकाश में आई है कि कहीं न कहीं प्रबंधन की लापरवाही है और इसमें जो खदान इनको बंद करनी थी, प्रॉपर जो गाइडलाइन का फॉलो करना था, सालों से जो माइनें बंद हुई हैं, इसमें ढंग से जो गाइडलाइन का पालन होना था वो नहीं किया गया है और कहीं न कहीं ये सब भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है। लापरवाही के लिए प्रबंधन के विरुद्ध भी एक FIR भी की गई है और आज जो बॉडी मिली है इस पर भी अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जाएगी।